अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। एनएमएमसी के कोविड अस्पताल के निर्माण में देरी पर उठे सवाल, भाजपा नेताओं की मांग 100 बेड से शुरू करें सेंटर ताकि कम हो मुसीबत। ये कोरोना का जो हॉस्पिटल अपना म्यूनसिपल कमिश्नर जी मिसाल जी ने बोला कि भाई हम सिडको एग्जीबिशन सेंटर में बना रहे, तो उन्होंने शुरुआत की है। हम लोगों ने वहाँ पे पूरी इंक्वायरी की, उसका ऑब्जर्वेशन किया, 8 दिन के बाद ये हॉस्पिटल यहाँ पे एक सेक्शन तो चालू हो जाएगा। जो 3 अस्पताल कोविड के लिए इन्होंने रखे हुए हैं, ये तीनों हॉस्पिटल अभी बेड खत्म हो चुके हैं, नए पेशेंट्स को लेने की उनकी अभी उपलब्धता नहीं है। जरूरी नहीं है कि हम 1200 के 1200 बेड शुरू होने तक रुके, 100 बेड आप शुरू कीजिए, 100 बेड की राहत मिलेगी। वासी के सिडको एग्जीबिशन सेंटर में तैयार हो रहा 1189 बेड का ये वही कोविड केयर सेंटर और कोविड हॉस्पिटल है जिसे एनएमएमसी कोरोना मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए तैयार करवा रही है। हालांकि इसके निर्माण में हो रही देरी पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये है कि आखिर यह अस्पताल कब शुरू होगा? स्वच्छता में 5-स्टार रैंकिंग का ढिंढोरा पीटने वाली महानगर पालिका आखिर लोगों की जिंदगी बचाने में जल्दबाजी कब करेगी? यह सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि तेजी से बढ़ रहे कोरोना मरीजों को भर्ती करने के लिए अब नवी मुंबई के किसी भी अस्पताल में जगह नहीं बची है। भाजपा नेता सतीश निकम ने भी शुक्रवार को निर्माणाधीन सेंटर का जायजा लेने के बाद यही सवाल उठाया कि जब कोरोना संक्रमितों की संख्या 2000 के पार पहुंच गई है, तब इसे 100 या 200 बेड के साथ चालू करने में भला हर्ज क्या है। उन्होंने आयुक्त को शिकायत देकर कोरोना पॉजिटिव लोगों के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध कराने और अस्पताल को तत्काल प्रारंभ करने की मांग की। आज की अगर नवी मुंबई की स्थिति देखें तो पिछले 8 दिन का जो डेटा निकाले तो दिन में लगभग 75 से 80 केसेस रोज के आ रहे हैं। भी जो 3 अस्पताल कोविड के लिए इन्होंने रखे हुए हैं, महानगर पालिका का वाशिका हॉस्पिटल, डीवाई पाटिल का ई विंग और रिलायंस का हॉस्पिटल कोपरखरने में, ये तीनों हॉस्पिटल अभी बेड खत्म हो चुके हैं, नए पेशेंट्स को लेने की उनकी अभी योग्यता नहीं है, उपलब्धता नहीं है। ऐसी स्थिति में जो नए पेशेंट्स अत्यावस्थ हो रहे हैं क्योंकि होम क्वारंटाइन होने के लिए बोला जा रहा है, वहाँ पर दवाई ले रहे लोग, लेकिन फिर भी अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा तो आगे पेशेंट को कहाँ जाना है, ऐसी एक बहुत बड़ी समस्या उसके सामने उत्पन्न है। आज महानगर पालिका से ये बताया जा रहा है कि आप घर में रहिए, होम क्वारंटाइन रहिए, घर पर ही हम आपको दवाई देंगे, तो इससे क्या हो रहा है कि पेशेंट अत्यावस्थ होने तक हमको रुकना पड़ रहा है और फिर इसका इलाज शुरू होने वाला है। तो वो ना होते हुए आज अगर हम देख रहे हैं कि भाई 100 बेड तो आराम से आज शुरू हो सकती है, तो 100 बेड शुरू करना, दूसरे लॉट में दूसरे 100 बेड शुरू करना। जरूरी नहीं है कि हम 1200 के 1200 बेड शुरू होने तक रुके। मुझे जिस तरीके से जो योजना दिख रही है वो है कि 1200 बेड होने के बाद ही इसका उद्घाटन होगा और ये शुरू होगा। 100 बेड आप शुरू कीजिए, 100 बेड की राहत मिलेगी, 100 पेशेंट्स को हम जल्दी उपचार दे पाएंगे। बहुत बड़ी दुरावस्था है क्योंकि अगर पेशेंट पॉजिटिव आता है, टेस्ट उसकी पॉजिटिव आती है, तो बाकी सब लोग छोड़ दीजिए, घर के लोग जो नेबर है या सोसाइटी के लोग हैं वो भी उस व्यक्ति के नज़दीक जाने से डर रहे हैं, तो इस व्यक्ति को हॉस्पिटल तक छोड़ेगा कौन? और ऐसी परिस्थिति में महानगर पालिका आयुक्त साहब को मैंने एक पत्र लिखा है और ये कहा है कि पर्याय व्यवस्था हो सकती है, इसके ऊपर निर्भर होकर नहीं चलेगा, केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे पेशेंट्स को जिनकी अवस्था अभी चलने लायक नहीं है उनको हॉस्पिटल तक पहुँचाने की कोई पर्याय व्यवस्था आपको सोचनी पड़ेगी। गौरतलब है कि बीते हफ्ते पूर्व मंत्री एवं विधायक गणेश नाइक ने भी इस निर्माणाधीन कोविड केयर सेंटर का दौरा किया था, तब अधिकारियों ने उन्हें बताया था कि अगले हफ्ते से इसका शुभारंभ हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। यह सेंटर तत्काल शुरू होना इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि कोरोना इलाज के लिए अधिकृत किए गए तीनों अस्पतालों में अमीरों को छोड़कर सामान्य लोगों के लिए अब कोई बेड खाली नहीं है। बहरहाल महानगर पालिका खुद नए मरीजों को होम क्वारंटाइन यानी अपने ही घर में बने रहने की सलाह दे रही है। इससे कोरोना पॉजिटिव अपने परिजनों के साथ ही पड़ोसियों की नफरत का भी शिकार होने लगे हैं, जो नई मुसीबत है। आप खुद ही सुन लीजिए। देखिए, हालत दिन पर दिन बहुत खराब होते जा रही है नई मुंबई की। पेशेंट डेली 75-80 के आसपास आ रहे हैं कि डेली बढ़ रहे हैं, और जो भी व्यवस्था है वो व्यवस्था कम पड़ रही है। और अभी जैसे मुझे जानकारी मिली कि नई मुंबई के जो भी 3 हॉस्पिटल है वो बेड फुल हो गए हैं,
तो पेशेंट लोग को मतलब कि बोला जा रहा है कि आप अपने घर में रहिए, होम क्वारंटाइन होइए, हम आपको मेडिसिन वहाँ तक पहुँचाएंगे। लेकिन मैं दुख के साथ बोलता हूँ कि मेरे एक उत्तर भारतीय मोर्चा कार्यकर्ता अनूप अग्रही जो सेक्टर 11 जुहू गांव में रहते थे, उनकी वाइफ को जब पॉजिटिव रिजल्ट आया तो उन्होंने जाकर इंडिया बुल्स पनवेल में अपनी वाइफ को छोड़ कर आया। लेकिन इसके बावजूद वहाँ के सोसाइटी के लोगों ने उनके घर के बाहर मतलब कि कड़ी लगा दिए, जो कि उनके छोटे बच्चे भी थे, हाँ उनको दूध और सब्जी की बहुत तकलीफ़ हुई, उनको बहुत सारी परेशानी आई। मैंने जब वासी पुलिस स्टेशन से रिक्वेस्ट किया तो पुलिस ऑफिसर जाकर वहाँ पर अपना उनका दरवाज़ा खोलकर सोसाइटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी को इंस्ट्रक्शन दिए कि भाई इनको जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप लोग पहुँचाओ, ये भले नहीं नीचे आएंगे। तो जब पेशेंट को पनवेल छोड़कर आने के बाद ऐसी स्थिति थी, तो जब पेशेंट घर में ही रहेंगे तो बाकी लोग उनके साथ क्या व्यवहार करेंगे, ये सोचने वाली बात है। इसीलिए मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी आपका काम चालू है इसको स्पीड बढ़ाइए, जल्दी से जल्दी और व्यवस्था कीजिए। फिलहाल कोविड सेंटर का कामकाज अधूरा है, जिसे 5 जून से पहले पूरा करना जरूरी है, वरना मानसून मौत की नई मुसीबत पैदा कर सकता है। उम्मीद है कि नई मुंबईकरों की जान पर आने से पहले ही महानगर पालिका या वैकल्पिक अस्पताल जल्द शुरू करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।